तो फिर से आज इस नई मुलाकात में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए मेरे घर में क्या सब चल रहा है। एक तो नौजवान उधर उल्टे पड़े हैं और इधर मेरी बीवी बैठी है, और ये सैनिक जो घायल होकर गए थे तंदुरुस्त होकर लौटी हैं। अभी उछल कूद मचा रही है, लेकिन सुबह से 4 बार बाथरूम जा चुकी है। उनको उनका पेट साफ नहीं हो रहा था, तभी हो रहा है। अभी फिर ये डब्बा उब्बा लेके बैठी हैं, क्या सब करेंगी देखते हैं, क्या सब नया करती नया है। सामान है मेरे इसमें, क्या क्या सब है? सारा हाँ, सारे इयररिंग का सामान है। इयररिंग बनेगा तो सिर्फ आप मतलब लड़कियों के लिए बनाती हो, लड़कों के लिए क्या बनाते हैं? मेरे जैसे आदमी के लिए क्या बनता है? आपका पियर्सिंग करवा दूंगी, उसके बाद आपको पहना दूंगी। ओ, पियर्सिंग तो लड़के तो कान में तो कराते हैं, पर पहनते हैं। पहना हाँ दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्या है। अरे बेटा जी, जाना है कि नहीं जाना है? खरीदने खाना नहीं बनने वाला आज, बता रहा हूँ। आप वो बनाएंगे? हाँ वो सब आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या क्या चल रहा है? आपसे मैं पूछ रही अरे हूँ। मैं हिसाब का खाता लेकर बैठा हूँ। हिसाब खाता क्या, किस चीज़ की हिसाब? ये पूरा चावल दाल राशन पूरा सामान के हिसाब अच्छा, क्यों हिसाब कौन लेता है आपसे? कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं रखती हूँ। क्यों, कोई हिसाब पैसे लोग देते हैं वो आपके हिसाब मांगता है क्या? बेटा नहीं पैसा है तो उसे हिसाब मांगता है क्या? नहीं हाँ नहीं आप क्यों हंस रही है खड़े खड़े? तो खुद के लिए हिसाब रखना पड़ता है ना, कितना खर्चा हो रहा है, आप क्या हो हंस रहा है क्यों रही है उधर खड़े खड़े? हाँ आपकी मम्मी जी हिसाब ना। रख रही है, आप हंस रही हैं। नहीं, ये हिसाब रखना पड़ेगा तो, कि कितना खर्चा होता है, ठीक कहाँ है, मैं जाता भी है आता हूँ, पैसा। मैं भी आता हूँ, हिसाब लूंगा, सारा हिसाब लूंगा। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी डिलीवरी लेने। मारुति में अपना अपनी गाड़ी दी हुई है। उन्होंने जब गाड़ी टक्कर लगी थी तो उन्होंने बेंड अच्छा नहीं किया था, तो जा रहे हैं लेने, देख रहे हैं क्या कुछ हो सकता है, कैसा बेंड उन्होंने किया, बेंड को ओरिजिनल बेंड से मैच किया कि नहीं। यही होता है जब गाड़ी जब ठुकती है तब ठीक से मैंने ओरिजिनल पेंट नहीं लग पाता है, या फिर ठीक तरह से पहले की तरह गाड़ी ठीक नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम तो रह जाता है। ये देखो मैं मारुति निक्सा सर्विस सेंटर में बैठा हुआ हूँ। हम लोग गाड़ी लेने आए हुए हैं। उधर देखो मेरा बेटा भी बैठा हुआ है। बोरिंग ये कम कोशिश कर रहे हैं जितना पैसे मैंने दिए हैं वो कॉफ़ी पी पी कर वसूल करने का, मुफ्त का कॉफ़ी पी रहे हैं और वो पैसा वसूल कर रहे हैं। देखें गाड़ी कब मिलती है। क्या देखो सुबह सुबह बैठे बैठे परेशान हो गए ये लोग, अभी दे रहे क्या हैं अभी दे रहे हैं करके बहुत देर कर दिया। सुबह आए थे, अभी 3 बज गया शायद। अभी भी गाड़ी का काम देखो पीछे इंश्योरेंस चल बिल रहा है। लेके आए क्या? बाप रे बाप, कितना किसका देर और वगैरह लगेंगे सारी पता है? नहीं। देखो मारुति वाले ने तो इतना समय ले लिया, परेशान हो गए तो खाना, भूख लगी तो खाना खाने चले गए। इधर टिक्की टिक्की बर्गर कुछ खा लेते फिर मारुति वाले से भिड़ेंगे। बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग मारुति वाले, बहुत ज़्यादा। ये देखो इस भाई से हम टिक्की खा रहे हैं, ज़बरदस्त बना रहे हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, भूख भी काफ़ी लगी हुई है। तो मैं सिर्फ टिक्की ले रहा हूँ मटर के बिना। क्या बड़ा मटर के बिना टिक्की लेते हैं? हाँ मुझे मटर पसंद नहीं होता है। ठीक है तुम क्या क्या पी रहे हो? कॉफ़ी, मारुति मारुति का फ्री का कॉफ़ी। जितना पैसा लेता है कॉफ़ी पी के उस पैसा का असूली करना है। हर दिन आगे एक एक कप पी लेंगे। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मतलब मशक्कत के बाद हम आखिरकार अपनी गाड़ी नेक्सा मारुति सर्विस सेंटर से ले आ पाए। तो बहुत समय उन्होंने ले लिया। तो अभी शाम हो गई, रात के करीब 8 बज रहे हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, मिलते हैं अगली मुलाकात में। तब तक बुलंद रहिए, आबाद रहिए और बहुत मस्त रहिए।